कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। अब अनलॉक की प्रक्रिया में दफ्तर खुलने लगे हैं और स्कूलों को खोलने की तैयारी चल रही है। ऐसे में खुद को कोरोना से बचाने में लगे लोग तनाव और मानसिक परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। तनाव दूर करने के लिए बहुत से लोगों ने एक्सरसाइज का सहारा लिया, लेकिन हाल ही में आई एक स्टडी से पता चला है कि एक्सरसाइज करने से कोरोना काल का तनाव कम नहीं हो पा रहा है। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की जुड़वां लोगों पर की गई रिसर्च में पता चला है कि कोरोना की वजह से हुए तनाव और चिंता को कम करने के लिए एक्सरसाइज काफ़ी नहीं है। साइंटिफिक जर्नल PLOS 1 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस रिसर्च में 900 जोड़ों को शामिल किया गया था। इस रिसर्च में पता चला है कि स्टे एट होम यानी घर में रहने के आदेश के 2 हफ्ते बाद फिजिकल एक्टिविटी कम करने वाले लोगों में ज़्यादा तनाव और चिंता नज़र आई है। हालांकि इसकी उम्मीद पहले ही थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने ज़्यादा एक्सरसाइज की वो भी चिंता और तनाव का शिकार हो गए। इस बारे में TV9 भारतवर्ष ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर RP बेनीवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज के साथ साथ ज़रूरी है कि आप तनाव से बचने के लिए खुद को मजबूत बनाएं। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों से जुड़ें जिन पर आप भरोसा करते हैं। भरपूर आराम करें और माइंडफुलनेस तकनीक का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस टेक्निक जो कि आपके तनाव के स्तर को सीमित करने के लिए सहायक होती है, जिसमें आप ध्यान लगा सकते हैं, गहरी सांस लें, शांत रहें, योग व अन्य गतिविधियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। कोई नया हुनर आप सीखें, इस दौरान आपके अंदर जो हुनर है और आपकी जो इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं, उनको डेवलप करें, उनको यूज़ करें। जैसे ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, या कोई नई चीज़ आप सीख सकते हैं, जैसे कुकिंग करना है या कुछ और काम करना है, वो आप सीख सकते हैं। उसकी वजह से आप अपने आप को बिजी रखें। तनाव को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने आप को व्यस्त रखें। डॉक्टर RP बेनीवाल ने बताया कि तनाव दूर करने के लिए अच्छी लाइफस्टाइल का पालन करना ज़रूरी है। समय पर सोना, समय पर जगना और बैलेंस्ड डाइट लेनी ज़रूरी है। शाम को जल्दी 8-9 बजे तक खाना खाकर 10 बजे तक सोने की कोशिश करें और साथ ही स्लीप हाइजीन का पालन करें। स्लीप हाइजीन के अंदर जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि आप रात को जल्दी सोएं, हल्का खाना खाएं, सोने से पहले आप TV है, गैजेट्स है, मोबाइल को अपने से दूर रखें। जब आप रात में सोते हैं तो मोबाइल कम से कम आपके 2 मीटर की दूरी पर रहे, और आप लाइट वगैरह बंद करके कमरे के अंदर जो वातावरण है बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए। और जो स्लीप हाइजीन के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें ये भी है कि आप दिन में सोने की कोशिश ना करें, बिस्तर पे आप बिल्कुल ना लेटें, बिस्तर सिर्फ रात के सोने के लिए बना होता है। ये स्लीप हाइजीन के साथ साथ आपको पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। कोपिंग स्ट्रेटजी ये होती है कि आदमी की खुद की कोपअप करने की क्षमता। अगर आप पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटजी अपनाएंगे और नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटजी को अवॉइड करेंगे तो आप अपने आप को तनाव से मुक्त रह पाएंगे। नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये चीज़ होती है कि आप नशे से दूर रहें। कोई ऐसा हानिकारक पदार्थ जो कि सिगरेट है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है या कोई और नशे की चीज़ें हैं, वो उनसे आप बचें। तो इन चीज़ों को पालन करके आप एक्सरसाइज के साथ साथ अपने तनाव से दूर रह सकते हैं। तो आप भी कोरोना काल में तनाव से दूर रहने के लिए इन सब बातों पर अमल करते हुए एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं और तनाव से दूर रहें। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।